Hello everyone, this is Mansi from evidyarthi.in. So we are starting with chapter number 3, exercise 2, 3.1, question number 1. Find the range of heights of any 10 students in your class. So इसमें आपको क्या find करना है? Find the range. सबसे पहले तो range क्या होता है? Range is basically, इसको आप लिख सकते हो, highest minus lowest. Means the difference between the highest and the lowest observation. अब आपके पास जो भी ऑब्जर्वेशन है या डाटाज है उसमें से जो हाईएस्ट वैल्यू है और जो लोएस्ट वैल्यू है उनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम रेंज कहते हैं. सो हमें रेंज निकालना किसका है? हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स इन योर क्लास. मतलब कि आपकी क्लास में कोई भी रैंडम 10 स्टूडेंट्स आप ले सकते हो एंड उनकी हाइट्स की आपको रेंज निकालना है. सो लेट्स स्टार्ट. यहां पे मैं एज्यूम कर रही हूं हाइट, सो आई कैन राइट इट एज लेट द हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स बी. सो अब यहां पे मैं कुछ भी रैंडम वो ले सकती हूं विच विल बी आई स्टार्ट फ्रॉम लाइक 125 एंड देन 127, 129, 132, 134. So 1, 2, 3, 4, 5. So ये मैंने 5 ले लिए. I need 5 more. So I can take 136, 138, say 140, 144, 146. So यहाँ पे मेरे पास total 10 हो गए. These are basically observation, you can say. So इसमें से अब हमें रेंज निकालनी है. सो रेंज का फॉर्मूला होता है जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया, रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट. मतलब कि हाईएस्ट में से आपको लोएस्ट माइनस करना है. तो इस ऑब्जर्वेशन में ये जो आपके पास डाटा है इसमें से हाईएस्ट नंबर कौन सा है? दैट इज 146. इन सब में से सबसे बड़ा नंबर 146 है. तो हमारी हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन हो गई 146 माइनस, अब इसमें से लोएस्ट कौन सा है? दैट इज 125. सो लोएस्ट हो गया 125. ठीक है, सो अब हम इसको माइनस कर देंगे 146 माइनस 125. सो दिस विल गिव मी 6 माइनस 5 इज 1, 4 माइनस 2 इज 2. सो दिस इज 21. सो द आंसर इज 21. नाउ इन दिस क्वेश्चन इट्स नॉट नेसेसरी कि जो मेरा आंसर आया है वो ही आपका आंसर है, बिकॉज हम लोगों का डाटा डिफरेंट होगा. जो मेरी लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू है वो डिफरेंट होगी आपकी हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू से. फाइन, सो डाटा की वजह से हम लोगों के आंसर डिफरेंट हो सकते हैं. फाइन, बट फॉर्मूला यही होगा हाईएस्ट माइनस लोएस्ट. आपको अपने डाटा में देखना है कौन सा हाईएस्ट नंबर है, कौन सा लोएस्ट नंबर है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है. फाइन, so this was about question number 1. Let's start question number 2.